चीफ मिनिस्टर श्री भूपेश बघेल जी, श्री मोहन मरकाम जी, श्री टी एस सिंहदेव जी, साहू जी, चरणदास महंत जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सीनियर नेता, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज, प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका आज मैं बहुत स्वागत करता हूं। कल मैंने लोकसभा में एक भाषण किया और उसमें कहा कि हिंदुस्तान के सामने दो तीन बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। बीजेपी और उनकी विचारधारा हमारे प्यारे देश को खतरे की ओर ले जा रही है, और मैंने कल पार्लियामेंट में यह समझाया और आज भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। खतरा किस बात का है? सबसे पहला खतरा, भयंकर खतरा, बीजेपी आज एक देश को दो देशों में बांट रहा है। दो नए देश बनाए जा रहे हैं, एक देश चुने हुए अरबपतियों का, उस देश में हवाई जहाज, हाई टेक्नोलॉजी, धन, स्टॉक मार्केट का पैसा, उस देश में जो भी आप चाहते हैं, जितना भी देश का धन आप चाहते हो आप ले सकते हो, और दूसरा देश हमारे प्यारे देशवासियों का, करोड़ों लोगों का देश, एक अमीर देश 100 200 500 लोगों का, और एक गरीब देश हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का। यह सोचते हैं दो देश बनाने से जो गरीबों का देश है वो शांत बैठा रहेगा, वो सोचते हैं कि गरीबों में शक्ति नहीं है, सोचते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब डरता है, मगर हिंदुस्तान का गरीब किसी से नहीं डरता है। और अगर इस हिंदुस्तान को किसी ने यहां तक पहुंचाया है, जो ये बात करते रहते हैं 70 साल में क्या हुआ, अगर इस देश में प्रगति हुई है, तरक्की हुई है, तो ये किसी पार्टी की देन नहीं है, ये हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के गरीब लोगों की देन है। तो जब ये सवाल पूछते हैं 70 साल में क्या हुआ, ये हमारे किसानों का, उनके माता पिताओं का, हमारे मजदूरों का, हमारे कारीगरों का, हमारे छोटे बिजनेस वालों का अपमान करते हैं, कांग्रेस पार्टी का अपमान नहीं करते। बहुत कुछ हुआ, बहुत बदलाव आया, किसने किया? हिंदुस्तान की गरीब जनता ने अपना खून पसीना देकर बदलाव किया। और आज ये चाहते हैं जिन करोड़ों लोगों ने इस देश को बनाया उनको परे कर दिया जाए और 100-200 लोगों को देश का पूरा धन पकड़ा दिया जाए। मैं आपको सिर्फ एक आंकड़ा देना चाहता हूं और इसको आप अच्छी तरह सुनिए। हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 40% लोगों से ज्यादा धन है। जितना धन हिंदुस्तान की 40% आबादी के पास है, उतना धन आज के नरेंद्र मोदी जी के सरकार के नीचे 100 लोगों के पास उतना धन है। एक तरफ 100 लोग, दूसरी तरफ 40% हिंदुस्तान, 40% लोग भूखे मरे, रोजगार ढूंढते भटकते जाएं, और नरेंद्र मोदी जी के 5-10 उद्योगपति मित्र देश का पूरा धन अपनी जेब में डालें। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए और ऐसा हिंदुस्तान हम होने ही नहीं देंगे। अगर इस देश में प्रगति होगी तो सबकी प्रगति होगी, 2-3-4-5 उद्योगपतियों की नहीं, सबकी होगी। ये हम में और उनमें फर्क है। और आज छत्तीसगढ़ में हम बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। हमने आपसे पहले वायदा किया था 2,500 रुपए चाहे कुछ भी हो जाए छत्तीसगढ़ के किसान को मिलेगा, और हमने करके दिखाया है। और चुनाव के समय हमने नेताओं से बात की थी और उस समय हमने कहा था कि किसान के साथ हमारे प्यारे मजदूर भी काम करते हैं, और अगर हम किसानों की मदद करते हैं तो फिर हमें छत्तीसगढ़ के गरीब मजदूरों की भी मदद करनी पड़ेगी। और ये पहला कदम है। ये मत सोचिए छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि बात यहीं अटक जाएगी, बात यहां नहीं अटकेगी। ये पहला कदम है, आपका धन है, ये धन हम आपको वापस दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा 6,000 रुपए साल के 3 किश्तों में। बघेल जी थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, मतलब मेरा काम बात को थोड़ा और आगे बढ़ाने का है। देखिए अच्छा लगता है जब किसान, जब सुनने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ में हमने किसान की मदद की और एकदम पूरे प्रदेश को फायदा हुआ। वो पैसा जो 2,500 रुपए वो जाया नहीं हुआ, वो हमने किसान को दिया, और किसान ने जो रोज किसान जादू करता है अपने खून पसीने के साथ, किसान ने जादू किया और छत्तीसगढ़ का जो धान का प्रोडक्शन था एकदम से बढ़ गया, पूरे प्रदेश को फायदा हुआ। हमने 2-3 लोगों को नहीं दिया, हमने 2-3 उद्योगपतियों को लाखों करोड़ रुपए नहीं दिया, हमने छत्तीसगढ़ के हर किसान को उसकी मेहनत का सही दाम दिया। और वही काम हम आज
छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए कर रहे हैं। इस प्रोग्राम से 3,55,000 हमारे मजदूर भाइयों बहनों को सीधा फायदा मिलेगा। उनकी जिंदगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल आसान हो जाएगी, मगर जो उनके कंधे पर बोझ है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैंने अपने भाषण में दूसरी बात भी कही। पहली बात मैंने कही थी कि देखिए, आप दो हिंदुस्तान बना रहे हैं, एक 4-5 उद्योगपतियों का और दूसरा करोड़ों हिंदुस्तान का, हम ये नहीं होने देंगे। और मैंने दूसरी बात कही कि ये देश एक गुलदस्ता जैसा है, इसमें अलग अलग विचारधाराएं हैं। छत्तीसगढ़ में आपकी अलग सोच है, भाषाएं हैं, इतिहास है, कल्चर है, हिस्ट्री है, तमिलनाडु में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में अलग है, मगर हिंदुस्तान किसी एक सोच का नहीं है। अगर हम ये कहें कि हिंदुस्तान में सिर्फ छत्तीसगढ़ की सोच रहनी चाहिए तो यह गलत होगा। अगर हम ये कहें कि भाई हिंदुस्तान में सिर्फ एक प्रदेश की या एक विचारधारा की सोच होगी तो यह गलत है, और इससे देश का नुकसान होता है। बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है कि उनकी विचारधारा, जो हिंदुस्तान में एक विचारधारा है, हजारों और विचारधाराएं हैं, उनकी एक विचारधारा है, वो चाहते हैं कि एक विचारधारा इस देश के सब प्रदेशों पर, सब भाषाओं पर, सब इतिहास पर, सब हिस्ट्री पे एक विचारधारा का राज हो। और मैंने कल पार्लियामेंट में कहा ये कभी नहीं हो सकता है। छत्तीसगढ़ के लोगों को कैसे जीना चाहिए, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का जंगल के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का किसानों का अपने खेत से क्या रिश्ता होना चाहिए, वो महाराष्ट्र के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग नहीं बता सकते, उनको मालूम ही नहीं। और जैसे महाराष्ट्र के लोग आपको नहीं बता सकते, वैसे ही आप विदर्भ में जाके महाराष्ट्र के किसान को नहीं बता सकते कि भैया आपको इस प्रकार से जीना चाहिए। वो उसका हक है, ये आपका हक है। और ये जो गुलदस्ता है, यही हमारा देश है। ये जो अलग अलग सोच है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, प्यार की, भाईचारे की जो भावना है, इसी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। और इसी हिंदुस्तान पर बीजेपी आक्रमण कर रही है, और हम ये आक्रमण का विरोध करेंगे। और बीजेपी को जो सच्चा हिंदुस्तान है वो कांग्रेस पार्टी दिखाएगी। हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने नफरत फैला दी है, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, और बाहर हिंदुस्तान के बाहर जो शक्तियां हैं वो हमारी ओर देखती हैं और कहती हैं कि हिंदुस्तान कमजोर हो रहा है। चाइना की सेना लद्दाख में इसीलिए घुस पाई कि बीजेपी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने उनके घुसने के बाद देश को कहा कि कोई अंदर नहीं आया। मेरा कहना है, हमारा काम, देशभक्ति का काम, देश को मजबूत करने का होता है, देश के गरीब लोगों की मदद करने का होता है, देश को एक साथ जोड़ने का होता है, नफरत फैलाने का नहीं, देश को कमजोर करने का नहीं। और इसीलिए यह विचारधारा की लड़ाई है, ये एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ में नेशनल लेवल पे सबसे बड़े उद्योगपतियों की मदद होती है, मगर जो हमारा स्मॉलर मीडियम इंडस्ट्री वाला है, जो छोटा व्यापारी है, उसको नोटबंदी, गलत जीएसटी, कोरोना के समय मदद नहीं दी जाती है। और इसलिए मुझे काफी खुशी हुई कि आज जो आपने मुझे दिखाया, हर डिस्ट्रिक्ट से जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो आपका ज्ञान है, जो आपकी हिस्ट्री है, जो आप अपने हाथों से बनाते हो, उसको बनाने में सरकार आपकी पूरी मदद करने की कोशिश कर रही है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी स्किल्स हैं, सरकार उसको डेवलप करने का काम कर रही है। और मैं चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर जी, मैं चाहता हूं कि जो आपने बात बोली बस्तर कॉफी, अलग अलग चीजें जो आज मुझे देखने को मिली, चखने को मिली, ये सिर्फ आप छत्तीसगढ़ के लोगों को मत चखाइए, ये सिर्फ आप हिंदुस्तान के लोगों को मत चखाइए, ये आप पूरी दुनिया को छत्तीसगढ़ का जो जादू है, ये आप पूरी दुनिया को दिखाइए, पूरी दुनिया को चखाइए। और मैं सरकार के सब मंत्रियों को बधाई देता हूं कि आप छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रहे हो, और मैं चाहता हूं कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स में जनता की मदद का काम हो रहा है, उसमें आप जाके, जनता के बीच में जाके गहराई से शामिल हो। कांग्रेस पार्टी का भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, छत्तीसगढ़ की जनता का भी फायदा होगा। आपने आज मुझे यहां बुलाया, मेरी बात इतने प्यार से आपने सुनी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।